Nanekar, the man create history in tennis cricket, the world website of the world, tenniscricket.in. आइए दोस्तों लौट चलते हैं दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर इस वक्त वन साइड वर्तक नगर के मुन्ना और राहुल. जिस तरह कैप्टन ने कहा था आपको कि राहुल से काफी अपेक्षा है क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन. आपकी शुरुआत जब अच्छी होती है तो आपका अंजाम भी अच्छा होता है. दर्शक काफी आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. निश्चितच पंचांचा सुद्धा काही इशारा होताना दिसतो आपल्याला. यस, आयोजकांनी लक्ष द्यायचं आहे. पहिला सामना, एक जबरदस्त सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि भरपूर दिवसानंतर मला सुद्धा संधी मिळालेली आहे सिद्दीक बाबेसरां जोडीला समोचन करण्याची. भरपूर मला वाटतं एका वर्षानंतर पुन्हा एकदा बाबेसरांनी ओव्हर का मुकाबला आहे. एक ओव्हर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले रहेगा, उसके बाद बात का जो यस बेल्स बेल्स का किरदार कितना बढ़ गया है. बिना पानी के जीवन नहीं और बिना बेल्स के क्रिकेट नहीं. इस शो को सुपर डीपर बनाने के लिए रंजीत फाउंडेशन और हमारे सम्मानीय फोकसमैन श्रीकांत भोईर जी जो हिट तो नहीं बल्कि सुपर हिट हुए क्योंकि इस शो की चर्चा आप सारी जगह और जिस तरह मुमड़ा के कैप्टन ने बताया कि इस शो का वो इंतज़ार करते. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे सामना करने जा रहे हैं. मुन्ना गेंदबाजी के लिए बंटी, सबसे भरोसेमंद गेंदबाज आप देख सकते हैं इस वक्त वीआईपी डाइस के सामने सम्माननीय श्रीकांत भोईर जी को. आजचा दिवसातला पहिला चेंडू, पहिल्याच चेंडूवर जर कुठल्या फलंदाजाने जो फलंदाज स्ट्राइक वर दिसतो आपल्याला मुन्ना यांनी जर षटकार मारला किंवा चौकार मारला तर हजार रुपयाचं पारितोषिक रवींद्र भोईर. ये देखिए क्वार्टर फायनल पारितोषिक आणि पहिल्या चेंडूवर जर क्लिंग बोल्ड विकेट जर घेतला कुठल्याही प्रकारचं विकेट जरी घेतलं तर सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक रवींद्र भोईर यांच्याकडून लागू होईल. बंटी हमारी ओर से मुड़ते हुए वीआईपी डाइस की तरफ से मुड़ते हुए जो सामने का एंड है वो कॉलेज एंड है. सामना करेंगे बैट्समैन मुन्ना. फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट गली डिपिश एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश मिड ऑफ, जबकि शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग, एक खिलाड़ी मिड विकेट पे और दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर. सब कुछ तैयार. वेट आपण पहिल्या दिवसापासून काउंटडाउन घेतलेला आहे 10 to 1. सो प्लीज जोरदार क्लॅप्सनी ज्या वेळेला आम्ही लेट्स प्ले असं म्हणून तेव्हा जोरदार टाळणी आपण ह्या आजच्या अंतिम दिवसाला प्रारंभ करणार आहोत, सुरुवात करणार आहोत. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले. थैंक यू. गेम ऑन. पहली गेंद इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत कट शॉट. गेंद जा रही है डीप पॉइंट पर, अब जाकर उसको उठाया है. दो रन पूरे किए बैट्समैन ने, काफी जगह दी थी वहां पर गेंदबाज ने. बैकफुट पे चले गए थे, बहुत खूबसूरत कट शॉट. ये देखिए जगह दे बैठे थे हाथ खोलने के लिए, बहुत खूबसूरत. बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग का स्ट्रोक, जो अपर कट उन्होंने शोएब अख्तर को खेला था सेंचुरियन पार्क में 2003 में. अतिशय जबरदस्त सुरुवात म्हणावी लागेल या ठिकाणी वन साइड पॅकर्स वर्तक नगर संघाची. पहिल्या चेंडूवर दोन धावा. मुन्ना अपना खाता खोलते हुए इस मरतबा अच्छी गिनती, कलाइयों का उपयोग, टर्न कर दिया ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को उठाया. 3 पे पहुंचा स्कोर वन साइड स्पोर्ट्स. वर्तक नगर टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला चेंडू शॉर्ट टाकला होता, यावेळेस थोडासा पुढे चेंडू टाकला होता
टर्न करून एक धाव मिळते म्हणजे एक चांगली सुरुवात एक जबरदस्त सामना अफलातून सामना पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना. तमाम शायकीन को सिद्दीक भाबे का सलाम पहुंचे. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बंटी. इस मरतबा स्विच हिट खेलना चाहते थे रिवर्स स्ट्रोक बीट वे. एक जमाना था डेविड ऑटन ने रिवर्स स्वीप स्पिनरों के सामने निकाला था. ये देखिए इसे अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट कहते हैं. अच्छा उछाल था वहां पर. अब रिवर्स शॉट स्विच हिट वक्त की जरूरत बन गए. इस मरतबा धीमा हल्के हाथों से गेंद को पुश करते हुए कवस में एक रन बना लिया बैट्समैन ने. खाता खुला वहां पर राहुल का. कुल स्कोर है पहला ओवर चलता हुआ मैंडेटरी पावर प्ले 4 रन. रंजीत स्मूर्ति चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत द लेजेंड मैन श्रीकांत भोयर जी की जानिब से. इस मरतबा पुल की हवा में खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए. निश्चितच हा पाहू शकतो आपण थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर जाताना दिसतोय. अतिशय चांगला पुल केला होता 4 धावांसाठी. छोटी गेंद थी बंटी की. गेंद बॅक फुट पे गए कट किया बहुत ही खूबसूरती के साथ. गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ. बहुत ही बढ़िया एफर्ट वहां पर लेकिन नहीं रोक पाए बैट्समैन को 3 रन लेने से. लगातार बंटी जगह दे रहे हैं और शॉट्स को बहुत अच्छा टाइम कर रही है वन साइड स्पोर्ट्स. कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पे पहुंचा है. अच्छी शुरुआत हम कहेंगे पहले मैंडेटरी पावर प्ले में. अतिशय बरोबर आहे. पहिला षटक समाप्त झालेले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 11 धावा. कुठल्याही गडी बाद नव्हता. आपण एक बघितलं बाबे सर की जमेची बाजू अशी की कुठलाही फलंदाज या पावर प्लेच्या षटकामध्ये बाद झालेले नाही आणि 11 धावा धावपळका आलेले. एक चांगली धावसंख्या आपण म्हणू शकतोय. बिलकुल. आपके पास जब 10 बॅट्समॅन रहते मानो आपको बल्लेबाजी का लायसन्स मिळता है. आप वहां से रिस्क ले सकते. दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही क्रिकेट का महासंग्राम. रंजीत स्मूर्ति चषक 2018 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सम्माननीय श्रीकांत भोयर जी की जानिब से. क्या मौसम है. धुंध इस वक्त मैदान के बाहर नजर आ रही है. सूरज बादलों के पीछे आंख मिचोली खेलता हुआ और बल्ले और गेंद के पीछे आप आंख मिचोली देख रहे हैं. आज वैसे भी 14 जनवरी है. डैरिम गंगा का जन्मदिन है. आज बाबू नाटकर्णी ने 1964 में 31 ओवर 21 मेडन 32 रन और 5 विकेट इंग्लैंड के लिए थे. ही पाहू शकता बैटिंग ऑर्डर वन साइड स्पोर्ट वर्तक नगर संघाची. महेश भरत राहुल विकास सूरज जयेश मुन्ना प्रशांत रवि. वंडरफुल वंडरफुल टेलीकास्ट फ्रॉम tenniscricket.in संतोष नानेकर एंड कंपनी. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए कॉलेज एंड जो दूर वाला छोर है वहां से लगा गया है. स्वयं कैप्टन आए मुदस्सिर खान जो कि टीम के कैप्टन है. बहुत अच्छा ओपिनियन दिया था. अब फील्ड का जो रिस्तिक है वो खत्म हो चुका है और पूरी तरह से खोल दिया गया है फील्डिंग को. पहली गेंद बैकफुट पे चले गए बहुत ही खूबसूरती के साथ डेलिकेट लेट कट. गेंद धीरे धीरे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन. ये देखिए क्लास क्रिकेट और क्लास संगीत की बात ही कुछ और रहती है. हेमंत ये क्लास शॉट खेला था उन्होंने. जिस तरह क्लास शॉट आंखों को अच्छा लगता है क्लास संगीत कानों में रस भर. अतिशय जबरदस्त फटका बाकी दो ऑप्शनच्या दिशेने हा चेंडू होता बॅकफुटला गेला होता. अतिशय चांगला कट केला होता चेंडू सीमारच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. धावसंख्या पोहोचते 15 या धावसंख्येवर. अब गर्मी ज्यादा लग रही है और मैच भी गर्म होता हुआ. लास्ट वन इज अ एलिगेंट लेट कट पास दी गली फॉर 4. 15 रन बिना किसी विकेट के. इस मरतबा अच्छी गेंद बाहर खींचा था बैट्समैन को पैर नहीं चले थे. ये देखिए देर से आए थे शॉट खेलने.
थोड़ा सा फ्रंट फुट को देरी से निकाला था, और क्रिकेट में कहते हैं जब आपके पैर नहीं चलते तो रन नहीं चलते, और रन नहीं चलते तो टीम नहीं चलती। इस मरतब आप पीछे जाके गेंद को क्लोज ऑफ द बॉडी टैप कर दिया है डीप पॉइंट पे, एक रन। स्कोर 16 पे पहुंचा है, 16 फॉर नो विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस एंड यू आर वॉचिंग द मैच बिटवीन जॉली स्पोर्ट मुमरा एंड वन साइड स्पोर्ट्स वर्तक नगर। मुदस्सिर खान जो गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवा स्वीप, स्विच हिट, चार रन। क्या शॉट खेला है। पाकच महीन नहीं तुझे मी जतरला, अगोदर स्विच हिट केला होता, रिवा शॉट केला होता चार धावांसाठी। राहुल एक क्लासिकल फलंदाज मारला होता वन साइड वर्तक नगर संघाचा। इस बीच अगेन इम्प्रूव तरीके से पल्लू स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही डिफाइन लेग पर, चार रन। स्कूप किया था वहां पे बहुत ही खूबसूरती के साथ। क्या बल्लेबाजी कर रहे, मानो घर से सेट होकर आए। देखिए पल्लू स्ट्रोक, जिस तरह औरतें अपना पल्लू झाड़ती है उसी तरह इस शॉट को ईजाद किया था दिलशान तिलक रत्न ने। लेकिन तेजी से राहुल स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल स्कोर है 24 रन। 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, और मुन्ना ने बना रखे हैं 15 रन। अच्छा टोटल हम कहेंगे, दूसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं, ये देखिए पूरी टैली। मुदस्सिर खान गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं इस गेंद के बाद कहूंगा क्योंकि ये शायद इस ओवर की आखिरी गेंद है। मुदस्सिर खान बहुत ही बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट खेला था थोड़ा सा, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पर दो रन पूरे होते हुए, तीन रन पूरे। अब कोई दिल चुराए या बल्लेबाज रन, खबर तो चुराने के बाद ही होती है। इन तीन रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ सन्मान्य शैलेश भोईर जी का आगमन हो चुका है। फोकसमैन श्रीकांत भोईर के भाई, आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम बिग शो। ये जो आप देख रहे हैं ओवर समाप्त होते हुए दो, बहुत महंगा ओवर, और कुल रन बने 27। बात कर रहा था मुदस्सिर खान की, हालांकि वो नहीं चले। स्कोर बोर्ड देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूं कि खेत में किसान, जंग में जवान, फिल्मों में लगान, लेकिन यहां नहीं बन पाए मुदस्सिर खान। निश्चित अपन बघतो पहिल्या षटकामध्ये मुदस्सिर यांनी 16 धावा खर्च केलेले आहेत। मुदस्सिर याचा जर आपण विचार केला तर हा एक फलंदाज आहे। पहिल्या सामन्यामध्ये दोन छोटमध्ये 11 धावांची आवश्यकता असताना दोन बॅक टू बॅक षटकार मारले होते। हेमंत हमारे बीच इस वक्त दुनिया में धूम मचाने वाले अंपायर गोटिया, डांसिंग अंपायर और रीतिका एंकर का आगमन हो चुका है। मैं दोनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम वेलकम। गोटिया के बारे में जितना कहो कम है। अरे दीवानों मुझे पहचानो, उनको पहचानने की जरूरत क्या है। वेलकम। और को एंकर रीतिका जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। ये आप देख सकते हैं अंपायर गोटिया बिग बी की तरह नजर आ रहे हैं, उनके साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरा को एंकर रीतिका जी। इस बीच अगेन बहुत ही परफेक्ट गेंद थी, आगे रखा था वाइड यॉर्कर। मैं तो कहता हूं कि क्रिकेट में दो ही चीजों का सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। अतिशय चांगला कमबॅक गोलंदाज ईशान याचं बघितलं आपण। फक्त दोन छोटमध्ये एक ही धाव दिलेली नाही, निर्धाव टाकलेले दोन्ही चेंडू। पहिल्या दोन षटकामध्ये जास्त धावा केल्या होत्या। राईट आर्म ओव्हर द विकेट, इस मरतबा इम्प्रूव आहे, स्ट्रोक गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन। क्या शॉट खेल रहे राहुल,
मोस्ट वेलकम अंपायर गोटिया, वन ऑफ द फेमस अंपायर. ये देखिए क्या खूबसूरती के साथ खेला था, अपने आप को थोड़ा सा शफल किया था गेंद को, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया था लॉन्ग लेग पे चार रन. रितिका शेट्टे को इनकर आ चुकी है. इस बीच एक गेंद रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश बीट वे. जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए. निश्चित सपन बघितलं या वेळेस थोडस रिवर्स शॉट खेलण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. धावसंख्या पोहोचली होती 31 या धावसंख्येवर. राहुल एक चांगला फलंदाज आहे, ताकद कमी आणि नजाकत जास्त वापरतो हा फलंदाज. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गेंदबाज जीशान इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ. गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर, चार रन बल्ले से टकराने भर के बाद. दोस्तों तैयार रहिएगा, अंपायर गोटिया पहुंच चुके हैं. कभी वो शम्मी कपूर बनते हैं तो कभी अमिताभ बच्चन बन जाते हैं. कोई ऐसा गाना नहीं जो गोटिया के लिए मुश्किल हो. इस बीच अगेन रिवर्स शॉट इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाएंगी डीप थर्ड मैन बाउंड्री के अंदर, रोकने की कोशिश. देखना अंपायर क्या कहते हैं. बैट्समैन अब तक कितने रन भाग चुके हैं, दो रन. तीन ओवर की समाप्ति, 37 रन बचे हुए दौड़ में क्या होता है ये आइए सुनते हैं उस आवाज से मराठी में जिसने कई स्पर्धाओं में रंग भरा है, रंग भर रहे रंजीत स्मृति चषक में. और अगली आवाज है हेमंत पाटिल की. खूब खूब धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. पुनः एकदा सर्वांचं या हार्दिक हार्दिक स्वागत रणजित स्मृती चषक 2018 श्रीकांत भोईर शैलेश भोईर यांना रणजित स्पोर्ट आणि रणजित फाउंडेशन कडून सर्व प्रेक्षकांना हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आज मकर संक्रांत, मकर संक्रांती सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा. आणि निश्चितच प्रत्येक वर्षाप्रमाणे या ठिकाणी मकर संक्रांत असल्यानंतर आमच्या सर्व कॉमेंट्री बॉक्स असो की अंपायर पॅनल असो या ठिकाणी तिळगुळ दिले जातात आयोजकांतर्फे. ड्रिंक स्टॉली मैदानामध्ये आपण पाहतोय निश्चितच हा पहिला सामना आहे, क्वार्टर फायनल सामना. या सामन्यामधून जो संघ जिंकेल तो सेमी फायनलमध्ये दाखल होईल. अगेन इथं मान्यवर येत आहेत आणि मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान करणं हे आमचं परम कर्तव्य. मी विनंती करतोय मोहम्मदजी वरेकर यांना आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय पंढरनाथ भोईर साहेबांचं आपण शाळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं आदरपूर्वक स्वागत आणि सन्मान करावं. परशुराम भोईर साहेबांचं इथे शाळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि सन्मान करताना मोहम्मदजी वरेकर मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आणि मोहम्मद वरेकर यांचा आभार. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद मोरे. यानंतर दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळेल तो रणजी स्पोर्ट वडवली वर्सेस कालिका माता स्पोर्ट वडवली या दोन संघादरम्यान होणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस बॉक्समध्ये येऊन रेडी राहायचं आहे पाच षटक संपण्याच्या अगोदर. आदरणीय श्री रवींद्र भोईर साहेबांना देखील मोहम्मदजी वरेकर यांच्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. मी विनंती करतोय या स्पर्धेचे सहआयोजक मोहम्मद वरेकर यांना आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय अतिथी रवींद्रजी भोईर यांना शाळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं आदरपूर्वक सन्मानपूर्वक स्वागत आणि सन्मान करावं. मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि मोहन भो मोहम्मद वरेकर यांचं हार्दिक आभार. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद. पंचांचा इशारा होतोय, पॉवर प्ले बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला जातोय चौथ्या षटकामध्ये. हा नियम आहे की दुसरे ते चौथ्या षटकापर्यंत तुम्ही बॅटिंग पॉवर प्ले घेऊ शकता. लेकिन आप इतिहास को उठा के देखिए हेमंत पाटील, कभी भी बॅटिंग पॉवर प्ले हमेशा पॉवर प्ले राहे, चाहे फिर टेनिस क्रिकेट हो चाहे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो. निश्चितच या स्पर्धेमध्ये सुद्धा आपण बघितलं, मी काल सुद्धा म्हटलं होतं की बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये जास्त फलंदाज बाद होताना दिसले आपल्याला. तर या वेळेला बघूया कुठलाही फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेला आहे वर्तकनगर संघात. पहिला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न बघितला, ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू होता, सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. कुठल्या प्रकारची धाव नाही आहे, निर्धार चेंडू हाताळतोय गोलंदाज इजाज.
हिजाज एक अतिशय चांगला गोलंदाज आहे, चांगली गोलंदाजी लाईन जॉली बॉईज मुंब्रा संघामध्ये आहे। दोन संघ जर बघितला आपण पहिल्या दिवसामध्ये दोन्या संघाने अप्रतिम कामगिरी केली होती, त्याच दोन संघादरम्यान एक अतिशय टफ एन्काउंटर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। पुढील होणारा सामना रणजी स्पोर्ट वडवली वर्सेस कालिका माता स्पोर्ट वडवली, दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने तयारीत राहायचं टॉस करण्यासाठी। गोलंदाज पुन्हा गोलंदी मार्कवर, यावेळी पुन्हा बघितलं आपण थोडीशी ओव्हरफिश डिलिव्हरी होती, मात्र चेंडूच्या लाईन मध्ये फलंदाज आला नाही। निर्धाव चेंडू बॅक टू बॅक, दोन चेंडू निर्धाव। आय थिंक एक्सप्रेस डिलिव्हरी बॉल बाय रोहिदास, ही बॉल बँग ऑन टार्गेट, ही बॉलिंग चॅनल अँड ही गेटिंग लॉट ऑफ पेस फ्रॉम द पिच, एक्सलंट बॉल इंडीड, ही बॉल कॉरिडॉर अनसर्टेनिटी अँड नो फुटवर्क बिहाइंड दी स्टॉक। जिशन यांनी सुद्धा पहिले दोन चेंडू निर्धाव टाकले होते, मात्र या ठिकाणी आपण बघतो इजाज सुद्धा दोन चेंडू निर्धाव टाकताना दिसतोय। राईट आर्म राऊंड विकेट पुल करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा, निश्चितच या ठिकाणी आपण बघतो आणखीन एक निर्धाव चेंडू जाताना दिसतोय। धाव संख्या स्थिर 37 या धाव संख्येवर। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, अब जाकर व्हाइट घोषित के अंपायर ने। एक बात है कि एक अच्छी गेंद वो रहती है जिसकी लेंथ अच्छी रहती, जिसकी लाइन अच्छी रहती, जिसकी दिशा अच्छी रहती, एनी फॉर्मेट क्रिकेट के एनी फॉर्मेट में ऑफ स्टंप और उसके करीब की गेंदों को आइडियल गेंदे कहा गया है, चाहे फिर वो T20 क्रिकेट हो, ODI हो, टेस्ट हो। ये हमारा कॉमेंट्री बॉक्स आप देख रहे हैं, निश्चितच आमचे कॉमेंट्री बॉक्स आमचे दिग्गज समालोचक सिद्दीक बाबे सर, स्वतः मी, आमचे स्कोर सचिन पाटील या ठिकाणी दिसतात। पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदी मार्कवर, या वेळेला मिस टाइम स्ट्रोक आहे, चेंडू येतोय पॉइंटच्या दिशेने, शतरक्षक त्या ठिकाणी तैनात, एक धाव मिळते, स्ट्राईक रोटेट होते, धाव संख्या पोहोचते ती 39 या धाव संख्येवर। इज नॉट अ व्हेरी गुड स्ट्रोक प्लेड बाय, इज अ सेट बॅट्समॅन, ट्राय टू प्ले अनकन्व्हेन्शनल शॉर्ट ही प्लेड, he tried to play over the extra cover and ball is travelling back out of the point, not a confident looking stroke played by batsman, one side faker so swang ahe atishya changla sangha manla jatoy ya velela apan baghtoy puna ekda gulandaz samocha end kadun college end kadun mara kartoy gulandaz Hijaz, ya velela sandhi rise khelnyacha prayatna, chandu cha reshe madhe ala nuta falandaz, निर्धाव चेंडूची समाप्ती बघितला आपण बाबे सर, ये बॅटिंग प्रॉब्लेम मध्ये धावा येताना दिसत नाही आपल्याला। दोन चेंडू आणखीन शिल्लक असतील या षटकामधले, एक चेंडू व्हाईट टाकला होता आणि एक सिंगल, म्हणजे फक्त दोन धावा चार चेंडू मध्ये येताना दिसतात। बॅटिंग पॉवर प्ले मात्र पॉवरफुल गोलंदाजी होताना दिसते या वेळेला। हिजाज पुन्हा गोलंदी मार्कवर, पायाला दलतोय, अपील होते, पंचांचा बोट आकाशाकडे उंच जातो आणि फलंदाज LBW च्या रूपेने राहुल हा बाद। थँक्यू डीजे। नक्कीच आपण पाहतोय की आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये रवींद्र जाडेजा या अष्टपैलू खेळाडूने ज्यांचा एक पंचांची भूमिका ज्यांच्या मनाला भावली, ज्यांना नक्कीच आवडली आणि त्यांनी इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून ती क्लिप शेअर केली, ते शंकर धोत्रे आणि त्यांचं टोपण नाव फेमस गोटे अँपायर यांचं आपण या प्रांगणात या स्पर्धेचे सह आयोजक मोहम्मदजी वरेकर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं आदरपूर्वक सन्मानपूर्वक स्वागत आणि सन्मान करूया। गोट एम्पायर आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर मोहम्मद वरेकर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान होताना आपण पाहतोय। मोठमोठ्या इव्हेंटमध्ये नाचणारा अंपायर म्हणून यांची ख्याती, खेळामध्ये आनंद हा असला पाहिजे, मनोरंजन हा असला पाहिजे आणि तो भाग नक्कीच घेता नाही ते आपण पाहतोय डान्सिंग अंपायर गोटे अंपायर। आणि नक्कीच नागपूरला आजच्या दिवशी ते रवाना होणार आहेत, एरोप्लेननी त्यांचा प्रवास होणार आहे, नक्कीच त्यांना शुभेच्छा असतील। ओव्हर टू कमेंट बॉक्स। यावेळेस बघितलं पाहिजे स्वीप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू येतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, एक धाव मिळते, धाव संख्या पोहोचते ती 40 या धाव संख्येवर। बघितलं बाबे सर बॅटिंग प्रॉब्लेम मध्ये धावा फार कमी येताना दिसले आपल्याला। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इतिहास उठा के देखिए, बॅटिंग पॉवर प्ले
टेनिस क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, पुअर प्ले साबित हुआ है। अंपायर घोटिया, जिनके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चेयर्स गर्ल की जरूरत नहीं रहती है जब वो डांस करते हैं। रविंद्र जडेजा मराठी, माजा चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है मराठी का, उस पर उनका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू। और टॉस पे अंपायर घोटिया हमको इंटरव्यू देने जा रहे हैं टॉस पे, मुझे और शहजाद को, उनसे ज़रूर हम पूछेंगे। साथ में बहुत ही खूबसूरत चेहरा हमसे जुड़ चुकी है को एंकर रीतिका शेट्टी, रीतिका शेट्टे मोस्ट वेलकम, रीतिका शेट्टे मोस्ट वेलकम। आइए उनकी भी आवाज़ आप सुनेंगे जब हम ओपिनियन लेने कप्तानों के जाएंगे। अंतिम षटक शिल्लक धाव संख्या 40 सवा बघितलं 10 सरासरीने वाटचाल करताना दिसतोय या वेळेला वन सेट वर्तक नगर संघ। आणखीन एक माहिती सांगेन बाबे सर तुम्हाला का हा जो संघ आहे वर्तक नगर, हेमंत थँक्यू, शारदा डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स चे प्रोप्रायटर आदरणीय श्री मुकेश राठोड साहेब आणि रसिक राठोड साहेब यांचं या प्रांगणात या स्पर्धेचे आयोजक श्रीकांतजी भुईर शैलीजी भुईर यांच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। रणजित षटकार अतिशय जबरदस्त फाटका खेळला होता चेंडूला लॉनच्या डोक्यावरून सरळ 6 धावांसाठी मोठा फटका, धाव संख्या 6 धावांनी पोहोचती 46 या धाव संख्येवर। बहुत खूबसूरत शॉट डाउन द ग्राउंड, इस तरह के शॉट आसान नहीं रहते जिस तरह से शॉट को खेला है। आइए देखते हैं हाफ वॉली पे लिया था ये हमारे मान्यवर्स मंच की तरफ आते हुए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। गोलंदाज मार्क पर बंटी स्वतः पुनः एकदा सम्माननीय मेगा भाई हमसे जुड़ते हुए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम सर, आप आए बाहर आई। बंटी जणी पहिला षटक हाताळलं होतं पॉवर प्लेचा 11 धावा दिल्या होत्या, यावेळेस पुन्हा एकदा पहिल्या चेंडू मोठा फटका, पुल करण्याचा प्रयत्न यावेळेस चुकतोय, अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, थोडस ओव्हर फिश डिलिव्हरी, एवढा शॉर्ट चेंडू ठेवला नव्हता, निर्धाव चेंडू जातोय। बहुत खूबसूरत गेंद, लेंथ गेंद को आप पिछले पाव पे नहीं खेल सकते जिस तरह खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। बंटी पुनः एकदा यावेळेस पूल मात्र पॉवरफुल नाही आहे, बॅकवर्ड ऑफ द स्कोर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय, उलट्या दिशेने झेल टिपण्याचा प्रयत्न असफल ठरतो आणि एक जीवनदान मिळते फलंदाजाला, दोन धावा मिळतात। नाही बन सके वो कपिल देव जो कारनामा उन्होंने 1983 में अंजाम दिया था, विवेन रिचर्ड ने 32 में 7 चौके लगाए थे और ऐसा लग रहा था कि 20 ओवर में मुकाबला खत्म करने उतरे। धाव संख्या पोहोचते ती 48 या धाव संख्येवर, एक गडीच्या मोबदल्यात राईट आर्म होतो विकेटने, पुन्हा एकदा बघितला पण ऑन दी राईज खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या रेषेमध्ये येत नाही आहे, निर्धाव चेंडूची समाप्ती। देखिए बॉटम एंड का उतना अच्छा इस्तेमाल कर नहीं रहे, लॉन्ग बैकलिफ्ट को इस्तेमाल कर रहे, हालांकि छोटी बैकलिफ्ट में आज दुनिया में विराट कोहली का कोई सानी नहीं, इसीलिए तो सरफराज खान को मैंने पूछा था कि दुनिया क्रिकेट के गेंदबाज का कहना है गोली से नहीं कोहली से डर लगता है। या वेळेला चांगला फटका चेंडू होतोय मिडफील्ड कॅचच्या दिशेने, भाऊया सीमारेषा बाहेर जातो की नाही, यस सीमारेषा बाहेर, 6 धावांसाठी षटकार। आई गाऊ देवी माझी माऊली तुला विनवणी केली, आई तुला विनवणी केली, उघड उघड दरवाजा मुकाबला होस्ट कालिका माता वडोली और रणजीत स्पोर्ट होस्ट वडोली के बीच में होने जा रहा है। इस बीच यावेळेला पुन्हा एकदा आपण बघतो मिस टाइम स्ट्रोक आहे, मिड ऑफला चेंडू जातो, स्वतः गोलंदाज जातोय, कॉटन बोल्ड आउट करतो फलंदाजाला, तर 5 षटकांची समाप्ती होते आणि 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली आहे ती 54 धावा, 55 धावांचा टार्गेट असेल विजयासाठी जॉली बॉईज बुमरा संघाला। यस टॉस बॉक्स, आइए इस वक्त टॉस बॉक्स में को एंकर रीतिका शेट्टी हमसे जुड़ चुके हैं, शहजाद भी जुड़ चुके हैं। फर्स्ट ऑल वेलकम रीतिका इन कासार वडोली। थैंक यू रीतिका, आप यहाँ ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ का ये जो एटमॉस्फेयर है क्रिकेट का? और थोड़ा ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा और क्या बोलूं मैं रीतिका, अलग ही फील हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना इंट्रोड्यूस करा
कराए कि आप क्रिकेट के साथ किस चीज से आप जुड़ी हुई है? दोस्तों मेरे साथ इस वक्त क्वेंकर रितिका शेट्टे हैं। रितिका सबसे पहले हाउ डू यू फील हियर बिकॉज देयर इज आउटस्टैंडिंग क्रिकेट कंडीशन। यहाँ पे आने के बाद आई फेल्ट इंटरेस्टिंग कि नहीं मैं पूरा मैच देखूँ कैसे होगा क्या होगा मैच में। आने के बाद पहले तो मुझे ऐसे लगा नहीं था कि हाँ बाबा बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा ऐसे कुछ, बट जैसे यहाँ का माहौल देखा है देन सबकी एक्साइटमेंट वगैरह देखने के बाद आई फेल्ट कि नहीं कुछ तो होगा और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बताइए कि आप ये पहला इवेंट कर रही हैं कि इससे पहले भी आपने क्रिकेट शो की है? क्रिकेट शो इसके पहले मैंने 3-4 किए हैं जो वर्ली में वगैरह हुए थे, वर्ली अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में वगैरह हुए थे। कोइंकरिंग के अलावा आप किस फील्ड से जुड़ी हुई है, क्या रैम शो करते हैं या फिर और कुछ? आपका बैकग्राउंड क्या है? रितिका कहाँ पे फेमस है? रितिका कॉरपोरेट वर्ल्ड में फेमस है। मैंने MBA किया है एंड एज ए MBA मतलब मैं अपना क्या बोल सकती हूँ, आप मेरे ही मुँह से मेरी तारीफ सुनना चाहते हैं? नहीं करना चाहिए अगर यू हैव पावर शो इट बिकॉज एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट टीचर। आपका एक्सपीरियंस है वो लोगों को दिखाना चाहिए। ओके प्रोफेशनली वाइज मैंने एंकरिंग किया है, बहुत सारे इवेंट्स में एंकरिंग किया है, कॉरपोरेट इवेंट्स में रिलायंस के लिए वगैरह काम किया है। एंड अगर आप MBA के तरफ से देखोगे कि मैंने MBA किया है इन HR वगैरह, तो फिर मैंने टाटा कंपनी में भी काम कर चुकी हूँ। रितिका ये बताइए आप क्रिकेट से इंटरेस्ट रखती है, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मेरा फेवरेट खिलाड़ी धोनी है, MS धोनी। हाँ बेस्ट फिनिशर ऑफ वर्ल्ड। ये बताइए आप फिल्मों से इंटरेस्ट रखती है तो फिल्मों में आप किसकी फैन है? फिल्मों में स्ट्रगलिंग वाइज अगर देखा जाए कि जिसने बहुत कुछ अचीव किया है तो एक नहीं है, दो जने, एक तो शाहरुख खान और रणवीर सिंह। क्या बात है। एक बात कहूंगा कि हर औरत का अपना कोई रोल मॉडल रहता है, आइडियल रहता है। आप भी आगे बढ़ रही हो सकता है इससे बड़े छोटे पर्दे, मेरा मतलब है टेलीविजन सीरियल्स की तरफ बढ़े। ये बताइए कि आपकी फेवरेट एक्टर कौन, एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। क्या बात है। तो फिर ये भी बता दीजिए कि आपका फेवरेट गाना झिंगाट है या कोई और है? नहीं नहीं झिंगाट है। ओके ये थी दोस्तों रितिका शेट्टी जिन्होंने ओपिनियन दिया। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आना है। कालिका माता वडोली और रंजीत स्पोर्ट वडोली। इस वक्त आप देख सकते हैं शहजाद बहुत मशहूर कमेंटेटर है, शहजाद शेख वॉइस ऑफ मुमरा, दोनों कैप्टन हमसे जुड़ते। ओ हो ये तो स्पॉन्सर ही चले आए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्यों? कालिका माता। ठीक है पहले जान ले कि इनमें से इनको किसको लगता है कि टॉस जीतेंगे, कोणाल वाटक कौन टॉस जिंकेल ते आणि तुम्हाला जिंकल्या नंतर आपण विचारू की तुम्ही काय करणार? ओके ते विचारूच। मान्य श्री मुकेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको यहाँ पर आना है, आपके शुभ हाथों से हम यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुकेश जी आइए। अंपायर घोटिया जब भी समय मिलेगा हमें अपना इंटरव्यू देंगे, वो इस वक्त अंपायरिंग करने गए। सम्माननीय मुकेश जी और हमारे फोकस मैन, वेलकम सर। मुकेश जी आपका हार्दिक स्वागत है टॉस बॉक्स में। और रसिक भाई, क्रिकेट रसिक कितने भी बढ़े रसिक भाई के बढ़ने से शोभा बढ़ गई। ये देखिए मेरे पास सिक्का है, एक तरफ रंजीत स्मृति चषक 2018, ये श्रद्धांजलि है उस शख्स को जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको याद किया जा रहा है। और एक तरफ आप देख सकते हैं फाउंडेशन की दुनिया का सबसे बड़ा नाम रंजीत फाउंडेशन।
आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय से निवेदन है आपको मंच की शोभा बढ़ाना है, अनेक अनेक धन्यवाद। आइए कैप्टन, प्लीज सिट। क्योंकि मुझे आपने मौका दिया है श्रीकांत जी, पहले मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ कि छोटे मोटे कमेंटेटर को आपने यहाँ बुलाकर उसकी इज्जत अफजाई की। सबसे पहले बताइए, शो में इतनी जो जान भरी है, इसके पीछे क्या रीजन है? याच्यामागे एकच कारण आहे, माझे जेवढे पण प्लेयर आहेत सगळे, त्यांची त्यांचीही मेहनत आहे, त्याच्यामध्ये माझ्या भावाची, वडिलांची, आईची, यांची सगळ्यांची मेहनत आहे याच्यामध्ये। आणि ज्यांनी आम्हाला ग्राउंड दिलं, श्री स्वामी समर्थ, न्यू स्वामी समर्थ बिल्डर्स, त्यांचं मी आभार मानतो आहे। आणि तुमचं पण आभार मानतो आहे का आम्हाला तुम्ही टाईम दिलं, एक दिवसासाठी का नसो पण दिलं तुम्ही टाईम, तेवढंच आमच्यासाठी बस आहे। आपने टॉस जिताय, क्या करना चाहेंगे? निश्चितच फिल्डिंग करणार आम्ही। तुम्ही फिल्डिंग करणार तर कुठल्या, म्हणजे किती रन्स पर्यंत बॅट्समॅनला थांबवणार? जसं तर मी 50 पर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू आम्ही, कारण आमच्याकडे बॉलिंग साइड थोडे आहे चांगली। नंतर बॅटिंग आल्यावर तुमचा टार्गेट काय असेल? आता आम्हाला तर चेस करायचंय, आता बघूया त्यांच्यावर डिपेंड आहे ते किती मारतात आणि किती काय करतात ते। श्रीकांत, एक सवाल की गेंदबाजी के ट्रम्प कार्ड कोण राहील? आयुब आहे, लखन, मनोज दादा आहे आणि आरिफ। तो रणजीत, हम ये उम्मीद करके इस मैच में कमर कस के जा रही? ओ नक्कीच, तुम्हाला याच्यामध्ये काहीतरी चांगलं बघायला भेटेल या मॅच मध्ये। ऑल द बेस्ट। आइए, हमारे साथ कालिका माता के कैप्टन जुड़ चुके हैं। सर ये बताइए, सुपर संडे, सुपर अल्टीमेट, सब कुछ हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो मला तर चांगलंच वाटतो, कारण आजचा दिवस हा सगळ्यांसाठी चांगलाच आहे। मकर संक्रांती आहे आणि जेवढे इथं आलेले लोक आहेत, पब्लिक आहे, त्यांच्यासाठी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा मकर संक्रांतीच्या। ये बताइए, आप टॉस जीते तो क्या करते? आम्ही शतरक्षण स्वीकारलं असतं। लेकिन आपको अब बल्लेबाजी दिखे, 5 ओवर में एक टार्गेट होगा जिसको आप बनाना चाहेंगे? कम से कम 70 का तो टारगेट बनाना चाहते हैं। 70 के लिए इनिशियल ओवर, जो शुरुआती मैंडेटरी पावर प्ले, उसमें कौन सा बैट्समैन है जो ज्यादा रन बनाएंगे? संदीप और गणेश। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज रणजीत 11 won the toss, they decided to bowl first, back to the commentary box, Ahmed Patel is there. Congratulations. खेल की शुरुआत होती हुई, और आइए संदीप मोरे, जो सूत्र संचालक में अपना कोई सानी नहीं रखते हैं, इज द बेस्ट रन बने, पहला ओवर चलता हुआ, इस भी जगह रिवर्स स्वीप और गेंद जाएंगे मैदान के बाहर, 4 रन। ए मेरे लाड़ी को सासरवाड़ी को लेके जाओ क्या, मेरे लाड़ी को सासरवाड़ी को लेके जाओ क्या, जाओ क्या, मैं तुझसे मिलने आ जाओ क्या, न बोल मैं हल्की बजाओ क्या। वाह गोटिया वाह, मैं तुझसे मिलने, कमाल के गोटिया है ये अंपायर, हो हो वाह, क्या जरूरत है आपको कहीं जाने की, ना साउथ अफ्रीका ना आईपीएल, सिर्फ कासर ओरुली के इस ग्राउंड पे ही तमाम इंटरटेनमेंट मौजूद है। नाइस नक्कीच, इथे आदरणीय मुकेश राठोड साहेब आलेले आहेत, मी विनंती करतोय मोहम्मद वरेकर यांना, त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं आदरपूर्वक सन्मानपूर्वक स्वागत आणि सन्मान करावं। आदरणीय मुकेश राठोड साहेब, शारदा एंटरप्राइजेसचे संस्थापक, त्यांचं या प्रांगणात या स्पर्धेचे सहआयोजक मोहम्मद वरेकर, आउट हो गए वहां पे शारिक, ऑन द राइज खेला था। मान्यवर का सत्कार, सम्मान और स्वागत करते हुए मोहम्मद वड़ेकर, आपका फिर से हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद डीजे। तदनंतर रसिक राठोड साहेब यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी मोहम्मद वरेकर यांना करतोय। या स्पर्धेचे सह आयोजक रणजित फाउंडेशन, रणजित स्पोर्ट्सचे सदस्य मोहम्मदजी वरेकर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं आदरपूर्वक सन्मानपूर्वक स्वागत आणि सन्मान करताना आपण पाहतोय शैलेश भुईर साहेब हे देखील तिथे उपस्थित, आणि या आदरणीय सन्माननीय अतिथींनी निमंत्रणांचं स्वागत केलं आणि आपला बहुमूल्य वेळ
खर्च करून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आणि मोहम्मद वरेकर यांचं हार्दिक आभार. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद अनेक अनेक. व्हॉट अ डिलिव्हरी, व्हॉट अ डिलिव्हरी दॅट वॉज. ही प्लेड ऑन द राईस बट स्ट्रेट टू डीप मिड ऑफ अँड फायनली शारिक इज गॉन. लुक एट दॅट, नो एलिव्हेशन. ही ट्राय टू प्ले ऑन द राईस. इस शॉट को जो खेलना चाहते थे ऑन साइड में, मैं कहता हूँ पूना बुल्डाना स्ट्रोक. जाना चाहते थे पूना, पहुँच गए बुल्डाना. डीप मिड ऑफ पे आउट होके गए हैं. राइट आर्म राउंड विकेट. कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा. बंटी ने खिलाड़ी मौजूद और बंटी भी आउट. शांत झाली चालू झाली आता कुणा चना. MS ala baburao ata ala baburao ala baburao ata ala baburao ala baburao. yahan se to aise lag rahe mano big b kasar vadoli mein aaye. ye dekhiye unka andaaz. are diwano mujhe pehchano. lekin unko pehchanne ki zarurat kya hai, sara desh gotya ko pehchan raha hai. atishay barabar hai bagitla pan ya veles लॉग ऑफ च्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न अतिशय सुरेख झेल. राहुल यांनी बॅक टू बॅक दोन झेल टिपलेले आहेत. आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की परफेक्ट गोलंदाजी लाईन कुठल्या संघामध्ये असेल ती आहे वर्तक नगर संघ. परफेक्ट गोलंदाजी लाईन. ये देखिए गेंदबाज रवी है. ये देखिए जब देखा कि बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी गेंद को छोटा रखा. और सभी बैट्समैन तो एबी डिविलियर्स नहीं हो सकते दुनिया में जो 360 डिग्री में बल्लेबाजी करे. वो फ्रंट फुट पे रहे या बैक फुट पे रहे, सोते हुए भी मारते हैं, लेटे हुए भी मारते हैं, खड़े खड़े भी मारते हैं. इज अ आउटस्टैंडिंग बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट. आता अपन फक्त हैट्रिक वर पोहोचलेला गोलंदाज रवी बैक टू बैक दोन चोट वर दोन गड़ी बात के लिए लेते हैं. यस, तो मैं कह सकता हूं कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंच गए रवि. अगर हैट्रिक को लेते हैं तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 43 हैट्रिक ओडीआई में हुए और 43 हैट्रिक टेस्ट मैच में भी हुए. रवि हैट्रिक पर है. आप जब मैंडेटरी पावर प्ले में हैट्रिक लेते हैं तो आप ये साबित करते हैं कि आप कितने महान गेंदबाज हैं. इस मरतबा तेज तरार गेंद. सवाल पूछा हाउ इज दैट. ये कैसा है अंपायर सहमत नहीं. ओवर समाप्त होता हुआ पहला 5 रन जबकि लक्ष्य सामने रखा है जॉली के 55 रन. अब बचे हुए 4 ओवर में 50 12.50 द आस्किंग रन रेट, वन ऑफ द हेल्थी रन रेट. एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर हेमंत आई थिंक द रन रेट इज क्रीपिंग नाउ. अगला मैच करेंगे मशहूर और मारूफ कॉमेंटेटर द वॉइस ऑफ वसई संदीप मोड़े और हिंदी की बहुत ही सुनहरी आवाज शहजाद शेख. वॉइस ऑफ मुमरा. यस, एक षटकाची समाप्ति. धाव संख्या फक्त 5 धावा. आता आस्किन रेट थोड़ा सा 12.50 च्या सरासरीने उर्वरित 4 षटकामध्ये धावाचा मोचत. 50 धावांची आणखीन आवश्यकता असेल. 24 चेंडू आणि 50 धावा, अतिशय चांगली गोलंदाजी लाईन आणि सकाळचं 17 आहे हे 55 धावांचं टार्गेट एक चांगलं टार्गेट म्हटलं जाईल या 5 षटकामध्ये. मैं फिर से सन्मान्य श्रीकांत भोईरजी फोकसमैन और शैलेश भोईरजी दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सालों से मेरी तमन्ना थी इस कप में कॉमेंट्री की, समय नहीं मिला था. आज उन्होंने मौका दिया मुझे. मैं उनका, कासर वरोली के सभी लोगों का, तमाम यहाँ की ऑडियंस का और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ. साथी कमेंटेटर स्पेशली हेमंत पाटिल का, संदीप मोड़े, शहजाद का, हमारे स्कोरर पाटिल का और स्पेशली नानेकर जो आज आखिरकार बहुत दिनों के बाद मुझे मिले. दुनिया की पहली वेबसाइट नानेकर क्रिएट डिस्ट्री गोटिया क्रिएट डिस्ट्री अंपायरिंग. एक ओवर बचे हुए 4 ओवर. हेमंत क्या लगता है, दिस इज इट नेक्स्ट ओवर इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टंट ओवर एज फार एज बोथ टीम कन्सर्न. निश्चितच पुढील षटक जो आहे तो अतिशय महत्वाचा षटक असेल दोन्ही संघासाठी. कारण या षटकामध्ये जर कमी धावा आल्या तर प्रेशर मध्ये असेल जॉली बॉयज संघ. कॉलेज एंड से मुड़ते हुए दूर वाले छोर से तिरछे रन अप के साथ पहली गेंद. आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बल्ले का सिरा लेकर गेंद फ्लाई स्लिप से होती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 6 रन. रन जो आ रहे हैं वो सिंगल और डबल में आ रहे हैं. हालांकि सिंगल और डबल बहुत माने रखता है क्रिकेट में. मुंबई की लाइफलाइन लोकल है लेकिन क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है. आप लाख रुपए में से 1 रुपया निकाल दो आप उसे लाख रुपया नहीं कहेंगे. उस कैंडिडेट को जाके पूछो जो 1 ओवर से जीता है
ये एक ओट से आ रहा है, सिंगल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। भरत मेहर प्रतिम गोलंदाजी ओल्ड इज गोल्ड अतिशय अनुभव है। पहिल्या दिवसामध्ये जे दुसऱ्या सामन्यामध्ये दोन षटक टाकले होते, दोन षटकामध्ये एक गडी बाद करत फक्त चार धावा दिल्या होत्या, इकॉनॉमिकल अप्रतिम गोलंदाजी टाकली होती भरत मेहर यांनी। यस, यांनी वो यहाँ तेंडुलकर बन गए थे जिन्होंने हीरो कप में कारनामा अंजाम दिया था। इस बीच एक बहुत ही दिलकश स्ट्रोक पैरों के सामने हवा में, लेकिन फंस गए बैट्समैन, आउट हो गए। थोड़ी यॉर्कर लेन की गेंद थी, आइए देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा था। आज सुपर संडे और सुपर सैंडी डीजे। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए थे वहां पर। ये देखिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज जब राउंड ओवर द विकेट आता है, गेंदों को अंदर रखा था। और यॉर्कर के बारे में तो एक ही बात कि दुनिया में दो ही चीजों का क्रिकेट में सम्मान होता है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। तीन गड़ी आतापर्यंत बाजले, तीन ही फलंदाज कैच रूपेने बाजल मध्य शतरक्षण और गोलंदाजी नियत अतिशय चांगली होता दिसते है। नियंत्रित गोलंदाजी है, चांगले क्षेत्ररक्षण है, निश्चित 55 धावांचं एक टार्गेट है, चांगला टार्गेट सेट केलेला पहिल्या इनिंग मध्ये। दोस्तों संदीप मोरे उनको मैं थैंक्स कहूंगा, हेमंत पाटिल शहजाद इन्होंने काफी रंग भरा है। आज तो मैं वैसे ही मेहमान कलाकार स्पेशल अपीयरेंस हूं। इस बीच गेंद बहुत ही खूबसूरत ड्राइव आंखों के नीचे खेला डीप कवर में एक रन। आप जब ड्राइव लगाते हैं हेमंत पाटिल तो गेंद के करीब और आंखों के नीचे लगाना चाहिए। निश्चित अतिशय चांगल्या पद्धतीने हा ड्राइव केला होता आपण बघितलं। एक धाव मिळते, धाव संख्या पोहोचते ती 7 या धाव संख्येवर। धाव संख्या थोड़ी कमी येताना दिसते या वेळेला, फक्त 9 छोट्यामध्ये 7 धाव आलेले आहेत। बिल्कुल सही का आपने, जो आस्किंग रन रेट ची उससे पिछड़ती भी। आप कोई बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं तो बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आपको बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई देना होता है। जो रिप्लाई आपने देखा था साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया था, रिकी पॉइंटिंग ने इतना खाना खा लिया कि हर्षल गिब्स ने जब 176 रन बनाए तो रात के खाने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई थी। निश्चित त्याच प्रकारचा सामना या स्पर्धेमध्ये सुद्धा पाहायला मिळाला होता आपल्याला। इस बीच अगेन बढ़िया गेंद आगे रखा था, देखना है क्या कुछ हुआ है। एक रन स्कोर में बढ़ता हुआ, बाई का इशारा है अंपायर का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 8 रन। आप देख रहे हैं क्रिकेट टेनिस का महासंग्राम रंजीत स्मृति चषक 2018। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, फोकसमैन श्रीकांत भोईर जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और रंजीत फाउंडेशन की जानिब से। इस मरतबा नीचे बैकलिप से बहुत दिलकश स्ट्रोक, दर्शनीय शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर में, थोड़ा थ्रम्बल किया था वहाँ पर, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुँचा है 10 रन। अतिशय चांगला फटका, मध्ये थोडंसं मिस फिल्डिंग आणि 2 धावा येतात या षटकामध्ये सुद्धा, मोठा फटका द्यावी लागलेला नाहीये। बघितलं अतिशय कंट्रोलमध्ये गोलंदाजी करताना दिसतात वर्तक नगर संघाचे गोलंदाज। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फिर से बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑफ साइड में, क्लासिकल स्ट्रोक पिक्स ऑन द ऑफ वॉली एंड फर्मली ड्रिवन ऑल ऑन द ग्राउंड टू डीप कवर। षटकाची समाप्ती, दोन षटकाच्या समाप्ती, धाव संख्या 11 धावा झालेली आहेत, 2 ओवर में 11 रन और बचे हुए 3 ओवर में ऑफिशियल स्कोर। और पाटिल बता रहे कितने रन चाहिए, 44 रन, एक ही चारा बचा है, डू और डाई चुनौती। ये देखिए पूरा टैली बताया जा रहा है नाने करके टेलीकास्ट टीम की तरफ से, क्या कुछ पहली इनिंग में हुआ, क्या कुछ दूसरी इनिंग में हो रहा है। आप देखिए दोपहर के खाने का आपका बंदोबस्त कैसे हो रहा है। बाउंड्री के पीछे अगर आप कैच पकड़ते हैं तो सम्माननीय रविंद्र भोईर जी की तरफ से आपको 100 रुपये दिए जाएंगे, मुगले आजम में और श्रीकांत भोईर की तरफ से 100 रुपया, यानी 200 रुपया। मुगले आजम में कहा था ना कि अंधेरे बढ़ा दिए जाएंगे, वैसे इनामा शाम तक बढ़ जाएंगे। अतिशय बराबर है। आइए अगले ओवर की शुरुआत और बहुत ही मधुर आवाज मराठी में उभरती हुई हेमंत पाटिल। खूब खूब धन्यवाद
सिद्दीक भावे सर दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त 11 धावा 3 गडीच्या मोबदल्यात खराब सुरुवात म्हणावी लागेल जॉली बॉईज मुंब्रा संघाची. उर्वरित आणखीन 3 षटक शिल्लक आणि 3 षटकामध्ये 44 धावांची आवश्यकता. वेळेबद्दल सहकार्य करायचं आहे तुम्हाला. फक्त 25 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे ही 5 षटक पूर्ण करण्यासाठी, हे लक्षात घ्यायचं आहे. वन साइड स्पोर्ट वर्तक नगर संघ लक्षात घ्या, फक्त 25 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला दिलेला आहे. या ठिकाणी आपण बघतो आमचे प्रमुख मान्यवर शैलेशजी भोईर यांच्या समवेत आमच्या व्यापटाईज समोर. निश्चितच अतिशय जबरदस्त क्रिकेटचं आयोजन, रणजित स्मृती चषक 2018 हे आयोजन आपण पाहतोय. समोर आपण पाहू शकता पतंग उडवला जातोय. आज मकर संक्रांत आहे. रवी निश्चितच मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना. रवी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, पायामध्ये चेंडू यॉर्कर डिलिव्हरी, फ्लिक केला चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण बॅक डीप बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एक धाव मिळते, एक धावाने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 12 या धावसंख्येवर. निश्चितच सध्यापर्यंत आपण बघितलं तर कुठल्या प्रकारची मुभा दिलेली नाही गोलंदाजाने मोठा फटका मारण्याची. अतिशय चांगली गोलंदाजी आणि मी म्हटलं होतं की परफेक्ट गोलंदाजी लाईन वन साइड स्पोर्ट वर्तक नगर संघामध्ये आहे. त्या प्रकारची गोलंदाजी होताना दिसते आपल्याला. याच्या अगोदर बघितलं भरत मेहर यांनी 2 षटक टाकली होती. यावेळेस या सामन्यामध्ये रवी 2 षटकं टाकताना दिसतो आपल्याला. राईट आर्म राऊंड विकेट ऑन साइडच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, मात्र या ठिकाणी आपण बघतोय अतिशय सुरेख डिलेवर हातालतोय. एस्टेनच्या वरून चेंडू जातोय. निधा चोटीची समाप्ती, धावसंख्या स्थिर 12 या धावसंख्येवर. आता मात्र प्रेशर येऊ शकतोय तो म्हणजे जॉली स्पोर्ट मुंब्रा संघासमोर. यावेळेला स्कोप शॉट केला जातोय, चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने. अप्रतिम फटका सीमाच्या बाहेर. शांत झाली सारी झाली आता कुणाचं नाव. एमएस आला बाबूराव, आता आला बाबूराव, आला बाबूराव. ही अंपायर गोट्या यांची स्टाईल होती चौकार देण्याची. अप्रतिम डान्सिंग अंपायर श्रीकांत भोईर यांच्याकडून गोट्या अंपायर यांना 200 रुपयाचा पारितोषिक आलेलं आहे. एकमेव असं डान्सिंग अंपायर टेनिस क्रिकेटमध्ये. मधल्या काही दिवसापूर्वी एबीपी माझावर त्यांची मुलाखत आली होती. यस, मराठी माझा पे उन्होंने बहुत अच्छा ओपिनियन इंटरव्ह्यू दिया था और वो यहाँ पर हमको भी इंटरव्ह्यू देंगे. येस सर. रवी पुन्हा एकदा यावेळेला रिव्हर्स शॉट केला दोन गॅप मध्ये. कुठल्या प्रकारची संधी नाही. नो चान्स फॉर द फिल्डर. सिबारच्या बाहेर चेंडू. क्या बात है गोटिया. रविंद्र भोईर आपको और 100 रुपए का इनाम दे रहे. 4 रनों का इशारा. गोटिया आप उनको देखिए. एक बात तो है वो अपने मुंह से कहते हैं, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं उनको बहुत चाहता हूं, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि काले हैं तो क्या हम बहुत बड़े दिल वाले हैं. बिग बी की तरह नजर आते हैं. और धाव संख्या 20 या धाव संख्यावर 3 गडीच्या मोबदल्यात आणखीन 14 चेंडू शिल्लक, 35 धावांची आवश्यकता. अतिशय चांगलं टेलिकास्ट आमच्या टेलिकास्ट टीम द्वारा संतोष नानेकर अँड कंपनी. रवी पहिले 2 चेंडूमध्ये एकच धाव दिली होती. यावेळेला पायाला चेंडू आदळतोय. पाहूया अपील जोरदार केली होती. ओ हो, ये तो लेग बाय दे रहे. यस, ऐसा लग रहा है कि एक लम्हे के लिए शैलेश भीड़ की तरफ से 200 रुपए, ऐसा लगा कि उनका पांव टूट गया हो मानो. गुलाम सुसे की तरफ से भी 100 रुपए आए. गोटिया जी आपके यश हैं यहाँ पर, जिनके डीजे से आपको हमेशा यश मिला है, लेकिन कासार वरोली की सरजमीन पे आपको यश मिलता हुआ. वेल डन. निश्चितच अतिशय चांगला परफॉर्मन्स गोटे यांचा सुद्धा. एक धाव मिळते, धाव संख्या 21 या धावसंख्येवर. आज
प्लेननी जाणार आहेत नागपूर या ठिकाणी, त्यांचं तिकीटचं भाडं या ठिकाणी वसूल होणार आहे. वेळेबद्दल सहकार्य करा, फार कमी वेळ बसलेला आहे तुमच्याकडे. रवी पुन्हा गोलंदी मार्कवर, राईट आर्म राऊंड विकेटचा मारा मुदतसीरसाठी. यावेळेस ऑन द राऊंड खेळला जातो चेंडूला, लॉगन आणि लॉग ऑफच्या मध्ये स्किनच्या समोर एक धाव मिळते. एकाच धावा समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज. एक धाव आणि संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 22 या धावसंख्येवर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. ड्रिंक स्टॉली मैदानामध्ये जाताना दिसते आपल्याला. 3 षटकाची समाप्ती आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 22, उर्वरित 2 षटक शिल्लक असतील बावे सर, आणि 2 षटकामध्ये 33 धावांची आवश्यकता असेल. काय म्हणाल तुम्ही? यहां से एक ही चारा रह गया है, डू ऑर डाई जॉली बॉयज मुमड़ा के पास, करो या मरो. ड्रिंक स्टॉली मैदान पे सभी मान्यवर का हार्दिक स्वागत है. मैं फिर से थैंक्स कहूंगा मोहम्मद वड़ेकर और आरिफ वड़ेकर साहब को, जिन्होंने मुझे यहाँ लाने में एक अच्छा रोल अदा किया है. ये आप देख सकते हैं, मैच समरी को बताया जा रहा है किस तरह से वन साइड स्पोर्ट्स ने बल्लेबाजी की. राहुल ने 12 गेंदों में 22 रन बनाए, 11 गेंदों में 16 नट आउट बना के रहे थे मुन्ना. जयेश 15 रन बना के 7 गेंदों में अच्छी बारी. एजाज शाह ने 3 रन देकर 1 विकेट लिया 1 ओवर में. आसिफ खान जूनियर 2 ओवर और बहुत महंगे साबित हुए, सिल्वर जुबली अपनी मनाई, 25 रन दिए 1 विकेट लिया. जीशान 1 ओवर में 10 रन खर्च किए. और मुदस्सिर खान बहुत महंगे साबित हुए, कप्तान 16 रन दिए. जॉली का जो जवाब है 3 ओवर के बाद 22 रन. अमान इस वक्त 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुदस्सिर खान 7 पे कर रहे हैं टीम के कैप्टन. शारिक जो बहुत अच्छी रिवर्स स्वीप खेलते थे जल्दी आउट हुए. आसिफ खान 1 रन बना के आउट हुए. रवि ने बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की, 2 ओवर 15 रन और 2 विकेट. और भराल डी 1 ओवर 5 रन 1 विकेट. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सुंदर टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम. ही क्रिएट हिस्ट्री इन टेनिस क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट डॉट इन, संतोष नानेकर एंड कंपनी. अतिशय बरोबर आहे. आता मात्र आस्किंग रन रेट वाढलेला आहे, जवळजवळ 16.50 सरासरीने वाटचाल करायची आहे. जॉली बॉईज बुमरा संघातच कठीण असेल. ठाणा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन महानगर पालिका के माजी विद्यमान नगर सेवक महेंद्र कुमोलेकर जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत है रंजीत स्मूर्ति चषक में. आपसे निवेदन है, आपको हमारे मंच पे आना है और उसकी शोभा को बढ़ाना है. इज अ ग्रेट क्रिकेटर महेंद्र कुमोलेकर और स्पेशली कॉमेंटेटर शहजाद शेख आपसे रिक्वेस्ट कर रहे. और शहजाद शेख को भी जो पहला चांस दिया था, पहला मौका, पहला प्यार, पहली बारिश, पहला चांस, पहला मैच सभी को याद रहता है. 12 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर सूरज येतो गोलंदाजीसाठी. सूरज याचा विचार केला तर या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत 2 गडी त्यांनी बाद केलेले आहेत. दुसऱ्या सामन्यामध्ये 2 गडी त्यांनी बाद केले होते पहिल्या दिवसामध्ये. तो सूरज यावेळेस गोलंदाजीसाठी येतोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी लाईन आहे. मी म्हटलं होतं बाबे सर तुम्हाला की परफेक्ट गोलंदाजी लाईन वन साइड स्पोर्ट्स संघामध्ये आहे, आणि ती गोलंदाजी आपल्याला दिसली पहिल्या 3 षटकामध्ये. फक्त 7.33 सरासरीने 22 धावा धावपळकावर आहेत. यस, पंचांचा इशारा होतोय या ठिकाणी. बॅटिंग पॉवर प्ले, यस बॅटिंग पॉवर प्ले ये पाहू शकता आपण. ये देखिए 360 डिग्री का करंट गोट्या के बदन में आता हुआ. वो जब डांस करते तो मानो ऐसा लगता है उनके बदन में हड्डियां ही नहीं, गोश्त ही गोश्त है. हैं भी तो बहुत तगड़े. सूरज कॉलेजन कुड मारा करतोय. पहिला चेंडू फ्लेक केला जातोय, चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या जवळ. कॅप मध्ये चेंडू खेळला होता 4 धावांसाठी. क्या बात है गोटिया, थोड़ी देर के लिए लगा कि अमिताभ बच्चन ही आए. यस षटकार जातो. इस बीक बी के लिए आपको सतीश पाटिल ने 100 रुपए का इनाम दिया है.
आप तो ऐसा हुआ है कि टेनिस क्रिकेट में आपको एंटरटेनमेंट 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 चाहिए तो गोटा को बुलाइए। शत्रशन जर आपण बघितलं फक्त चीन शत्रशत्र डिया सर्कलच्या बाहेर आपल्याला दिसत एक डीप मिड विकेट आहे, त्यानंतर एक लॉन्ग ऑन आणि एक लॉन्ग ऑफच्या दिशेने शत्ररक्षक आहे। राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, यावेळेस अंगाला चेंडू बदलतोय, शॉर्ट आर्म पुल करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होऊ शकला नव्हता आणि बॉडीला चेंडू लागतो, निर्धाव चेंडूची समाप्ती। ना गेंदों को पड़ा, आप जब बैकफुट पे शॉट खेलते हैं आपको काफी प्रिकॉशन रहना पड़ता है, जिस तरह से पुल लगाना चाहते थे, छोटी गेंद नहीं थी, अच्छी लंबाई की गेंद थी और कट के अंदर की जानी भाई थी। निश्चित और फिर चेंडूला तुम्हें पुल शॉट खेलू शकत नहीं। फिर से मैं कहूंगा कि सुंदर टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रही है दुनिया है क्रिकेट की पहली वेबसाइट टेनिस क्रिकेट .in, संतोष नानेकर एंड कंपनी। सूरज पुनागुलंजी मार्क राइट आर्म ओवर द विकेट, यावेळेला अतिशय चांगला फटका आहे, पुन्हा एकदा चेंडू सीमारेषा बाहेर, सहा धावांची साडी षटकार। क्या बात है, तालियां बजाई जाए, ताली में कंजूसी मत करो, जितने आप ताली बजाएंगे गोटिया उतने जूम में आएंगे। ये गोटिया के पार्टनर डीजे मैन यश को दिखाया जा रहा है, उनके बालों में इतने कलर है मानो हम कलरफुल मैन को देख रहे हैं। दोन षटकार या षटका मध्ये येताना दिसतात, या वेळेस आपण बघतो बॅटिंग पॉवर स्वपचा फायदा होताना दिसतोय। नाही एक बात तो है कि मुदस्सिर खान ने हार नहीं मानी है, अब वो हम कह सकते हैं कि खेतों में किसान, सरहद पे जवान, फिल्मों में लगान और इस मैच में मुदस्सिर खान। पुन्हा एकदा सूरज, यावेळेस ऑनसाइडच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, व्हाइटचा इशारा पंचांचा, लेग स्टंप सोडून जाणारा हा चेंडू होता, वेगळ्या अंदाजामध्ये गोटा अंपायर आपण पाहू शकता। यस नाइस अंपायर गोटिया, कभी नागपूर तो कभी दिल्ली, कभी दिल्ली तो कभी बैंगलोर, उनको कतर के शो में भी बुलाया गया था लेकिन वो नहीं गए। 35 धावा धावपळ कर 20 धावांची आणखीन आवश्यकता असेल विजयासाठी। सूरज पुनागुलंजी मार्कवर, यावेळेस समेश टाइम स्टॉक आहे, व्यवस्थित चेंडू बॅटला लागू शकला नाही, चेंडू मिड विकेट दिशेने जातोय, एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज, स्ट्राइक रोटेट होते, एक धावाने संघाची धावसंख्या 36 या धावसंख्येवर। ऑस्ट्रेलियन कहते कि टीम का कैप्टन को कौन हो, जो टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी, आप देख रहे हैं सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं और मुदस्सिर बल्लेबाजी और दोनों कैप्टन है इस वक्त। अतिशय बरोबर आहे, दोन्ही कर्णधार या ठिकाणी, मात्र फलंदाजी करणारा कर्णधार मुदस्सिर एक जबरदस्त फलंदाजी या षटकामध्ये, आतापर्यंत बघितलं या चार चेंडूमध्ये 14 धावा खर्च केलेले आहेत गोलंदाज सूरजने, थोडस महागडे षटक आणि पॉवरफुलचे षटक आहे, ते पॉवरफुलचे षटकाचा फायदा उचलताना दिसतात दोन्ही फलंदाज, खास करून मुदस्सिर याने दोन मोठे फटके मारले या षटकामध्ये। शत्रशन आपण बघितलं ऑन साइडला एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग आहे, त्यानंतर आपण बघितलं एक लॉन्ग लेगच्या दिशेने शत्रशत दिसतो आपल्याला, डीप मिड विकेट आहे, एक मिड ऑन थोडासा वाईट केलेला आहे, एक लॉन्ग ऑन आहे, ऑफ साइडला बघितलं एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक गलीमध्ये शतक्षण, एक थर्ड मॅन पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, डान्सिंग डाऊन द विकेट गेला होता मात्र पुन्हा एकदा मागे आला। बघितला सूरजने हा चेंडू पाहू शकता आपण जसा पुढे गेला होता, एक्सलंट डिलिव्हरी व्हेन ही सॉ बॅट्समॅन चार्जिंग द ट्रॅक पिचिंग जस्ट अराउंड द ऑफ स्टंप एंड जस्ट पास द बॉल, व्हाट अ एक्सलंट बॉल फ्रॉम द कॅप्टन ऑफ वर्तक नगर वन साइड स्पोर्ट। चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज सूरजचा, निश्चितच एक वाईट चेंडू आणि दोन षटका लागल्यानंतर एक अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या षटकातला, सूरजचा बॉलिंग फिगर दाखवला जाते बघूया, फक्त 5 चेंडू टाकलेले आहेत, 14 धावा खर्च केले आतापर्यंत, एक षटकार आणि दोन डॉट चेंडू सुद्धा लागलेले आहेत, त्यामध्ये धावसंख्या झालेली आहे ती 36 धावा, 7 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता। यावेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्टॉक पुन्हा एकदा, चेंडू जातोय बॅकवर्ड ऑफ द स्कोर लेगच्या दिशेने, चेंडू मागे शत्ररक्षक धावतो मात्र अडवला जातो, या ठिकाणी बघितला अतिशय चांगला शत्ररक्षण, निश्चितच यावेळेला दोन धावा काढतात दोन्ही फलंदाज, काय शत्ररक्षण जबरदस्त, बिलकुल दोन रन अपने टीम के लिए बचाए हैं, देखिए वो बाहर गए लेकिन गेंद को अंदर रखा, वैकेंट एरिया में शॉट को खेला था खाली क्षेत्र में, तीन खिलाड़ियों का कमिटमेंट देखिए, इन्होंने गेंद को रोका,
इसे कहते हैं रिले फील्डिंग, क्रिकेट में रिले फील्डिंग कहते हैं। बहुत सुंदर टेलीकास्ट, अल्ट्रा स्लो मोशन में आप देख रहे हैं। निश्चित बाबे सर, या जो अपन मंडप डेकोरेशन दिसते, जी रणजीत चषक 2018 जी सजावट दिसते, सजावट बनवणारे माननीय श्री रूपेश भोईर यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे, वेलकम। मुदस्सिर को सिक्सर पे मुस्तकीम जी की तरफ से आए। अब एक ओवर रन चाहिए 17, हार का खतरा दोनों टीमों पे मंडला रहा है क्योंकि आंकड़ा है 17। देयर इज अ सिमिलर चांसेस बोथ साइड बिकॉज मुदस्सिर खान इज देयर हु इज इन गुड टच, द कैप्टन ऑफ जॉली स्पोर्ट मुमरा। दोनों के लिए बराबर मौके हैं, अगर बड़ा स्ट्रोक लगता है तो हम कहेंगे जॉली आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है, मार्चिंग टू टू द विक्ट्री, और विकेट लेते हैं तो वर्तक नगर इस मैच को जीतने जा रही। अतिशय बरोबर आहे, आपण बघितलं एक षटक शिल्लक, सहा चेंडू शिल्लक, आणि सहा चेंडू मध्ये 17 धावांची आवश्यकता, पहिले दोन चेंडू महत्वाचे असतील, तर दोन चेंडू मध्ये एखादा मोठा फटका जर आला तर प्रेशर असेल गोलंदाजांवर, आणि जर दोन चेंडू जर डॉट गेले किंवा सिंगल सिंगल जर आले तर निश्चितच प्रेशर फलंदाजांवर असणार आहे। यस, आप देखणे कट टू कट मॅच, टफ इनकाउंटर, यू आर वॉचिंग नेक टू नेट फाइट गोइंग ऑन एंड यू आर वॉचिंग द मेगा इव्हेंट रणजीत मेमोरियल कप 2018 फ्रॉम कासार वरोली। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम फोकसमैन श्रीकांत भोईर, शैलेश भोईर एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड रणजीत फाउंडेशन। निश्चितच माननीय श्री अंकुश कांबळे सर यांना विनंती असेल की तुम्ही VIP डेस्क वर यायचं आहे। श्रीकांत भोईर ज्याने हे आयोजन केलेलं आहे, त्यांचे ते सर होते, ते त्यांना विनंती असेल की अंकुश कांबळे यांना की त्यांनी VIP डेस्क वर येऊन VIP डेस्क ची शोभा वाढवायची आहे। सहा चेंडू शिल्लक आणि सहा चेंडू मध्ये 17 धावांची आवश्यकता, पहिला चेंडू यावेळेला चेंडू येतोय लॉंगाच्या दिशेने, मात्र चेंडू सीमारेषा बाहेर जाईल, 4 धावांसाठी चौकार। क्या बात है, आज ड्रेस भी आपने वहीं पहना है, कलर गया तो पैसा वापस, क्या शॉट खेला है वहां पर। हालांकि फील्डर पहले आगे आए थे लेकिन आगे आए गेंद पीछे गई, कहीं मैच पीछे ना चला जाए। 5 गेंदे 13 रन, क्रिकेट कॉल ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम, और लिमिटेड ओवर मैच का जितना भी एक्साइटमेंट है आप इस वक्त देख रहे हैं रणजीत स्मृति चषक में। तमाम ऑडियंस का हम धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने बहुत साथ दिया है। इस मरतबा क्या कुछ हुआ है देखना है, क्या हुआ है, अंपायर मुड़ रहे हैं और दूसरे मोहल्ले में गेंद को किया वाइट। प्रेशर वाढताना दिसतोय गोलंदाज अक्षय याच्यावर, कारण एक चौकार लागला, थोडीशी मिसफील्ड झाली होती आणि यावेळेस ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकतोय, एक धाव मिळते, धाव संख्या पोहोचते 43, 12 धावांची आवश्यकता, चेंडू शिल्लक 5 12, ये 7 12 तो नहीं है, किसी जमीन के 5 12 है इस मैच के। गोलंदाज अक्षय पुन्हा गोलंदी मार्क वर, मोठा रन अप आहे अक्षयाचा, मात्र मुदस्सिर ज्यांनी चांगली फलंदाजी केलेली आहे आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये। यावेळेला मोठा फटका, वाईड ऑफ लॉंग ऑन आणि वाईड स्पीड विकेट चमादीन येतोय, 6 धावांसाठी षटकार। घोटिया जी कम से कम ये तो बताइए कि जो लेडी के डांस का अंदाज है कहीं भाभी जी ने तो नहीं सिखाया है। यस, धाव संख्या पूछती थी 49 से धाव संख्या पर ओवर पिच गेंद, मानो दिवाली के दिन कौन मिठाई छोड़ेगा और ईद के दिन कौन खुरमा छोड़ेगा, जिस तरह से डाउन द ग्राउंड खेला था ये देखिए,
बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन, कमाल का शॉट, गजब की टाइमिंग, फ्रंट लेग को अलग किया, गेंद को उछाल दिया, आसमानी टोला, 6 रन। चार चेंडू शिल्लक, चार चेंडू मध्ये 6 धावांची आवश्यकता आता आपण बघू शकतोय। हमारे कमेंटेटर शहजाद शेख को देखिए कितने वहां पे टेंस में, हालांकि मुकाबला अभी भी बराबरी पर। राइट अबाउ द विकेट, यावले हुक केला तो चेंडूला, सीमा रेषा जवळ जातो चेंडू, आणि अशा प्रकारे विजय संपादन करतो जॉली बॉईज बुमरा संघ। कॉन्ग्रॅच्युलेशन, कॉन्ग्रॅच्युलेशन कमेंटेटर शहजाद शेख, कॉन्ग्रॅच्युलेशन जॉली बॉईज बुमरा। व्हाट इनिंग, व्हाट इनिंग प्लेट, 35 रन्स। आइए दोस्तों मैन ऑफ द मैच। तो मैं कहूंगा कि खेतों में किसान, फिल्मों में लगान, सरहद पे जवान और मुमरा में मुदस्सिर खान, चारों हिट हो गए हैं इस मैच से। आइए दोस्तों अंपायर गोटिया मुझसे जुड़ चुके हैं और रीतिका कोइनकर शेटे। रीतिका वेलकम गोटिया एंड वेलकम रीतिका। आइए डांसिंग अंपायर गोटिया, पहले गोटिया ये बताइए एक मैच आपने किया रंग भर दिया, दर्शकों को आपको नागपुर जाना है, लेकिन पहले ये बताइए कि वो कौन सा पीरियड था, वो कौन सा मौका था जहाँ से गोटिया को उड़ान मिली। सबसे पहले जैन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैन ने मुझे बुलाया और कालर में एक मैच था, ऊपर से मेरे को एक भगवान हमारे जैसे सचिन तेंदुलकर सर बोलते, जैसे सिद्दीक सर सबसे हीरो लोग का पहला किया, जली को आग कहते, भुजी को राख कहते, जिस राख से बारूद निकले उसे गोटिया अंपायर करते, आपने बोला और जैन का तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि जैन ने मुझे चांस दिया और शक्ति कपूर ने 1000 रुपये दिया, ये तो आप जेक जा रहे हैं। ये बताइए कि आप मराठी माजा पे आए, हर जगह एक ही चर्चा है टेनिस क्रिकेट में, जहाँ कृष्णा सातपुते के बल्लेबाजी की चर्चा है आपके डांस की चर्चा है। ये बताइए कि गोटिया जी इस क्रेडिट तो आपने दिया, इतने इवेंट आप कर रहे, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है, मुंबई, ठाणा, कल्याण या आउट ऑफ महाराष्ट्र? सबसे पहले भिवंडी से मैं बड़ा हुआ और जैसे मैं अभी नागपुर जा रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, कभी सोचा नहीं जीरो से हीरो बन गया, प्लेन की टिकट दे, कतर में बुलाया था, तो इंशाल्लाह मैं पासपोर्ट भी मेरा थोड़ा ये था और मेरा यश जो लड़का है उसको मैं 2 लाख की बाइक लेके दी, पैसा उसमें जरा गया, अभी पासपोर्ट में बना लूँगा क्योंकि यश कैसा लगा आपको यश का डीजे बंद करने का? यश एक आखिरी सवाल, मराठी माजा पे आपका मैंने इंटरव्यू देखा, आपकी काफ़ी सराहना हो रही है, क्या अरमान है आगे जाके गोटिया, क्या हम इंटरनेशनल में देखने जा रहे हैं? सबसे पहला मैं अगर इंटरनेशनल चला जाऊंगा तो उधर मेरे सर बिली बॉर्डन है टेनिस क्रिकेट में गोटिया अंपायर, और ध्यान में रखो अपने अपने हुनर है, जैसे आप माइक में बोलते हैं ये मैडम मैडम, तो मेरे शहजाद मेरे को बोला एक मैच कर, और सबसे बड़ा पहला तो ठाणे का प्यार है मेरे को, अभी उधर क्या झूठ बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा मैं लेट हो गया थोड़ा ट्रैफिक में, और सबसे पहला भिवंडी में मैं जाता हूँ तो इंटरनेशनल मैच होती सचिन सचिन सचिन, तो भिवंडी वाले पहले शुरुआत की गोटिया गोटिया, तो आज किधर भी जाता हूँ साला जीरो नहीं हीरो बन गया मैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रीति का, आपको कुछ क्वेश्चन मराठी में करेंगे। इतना तो जग में फुरा एक मॉडल को आज मैं देख लिया, बहुत अच्छा आपको मैं इनका असर पे आता तो ये भी हीरो हो जाएंगे, क्या बात है। अच्छा पहले तो मुझे बताइए आप इतना अच्छा नाच कैसे लेते हो इतने धूप में? सबसे पहली बात तो आप लेडीज है, मेरे को मेरी औरत ना चाहिए, फर्स्ट क्लास सिखाती है वो सिखा, सेम देखा कि नहीं गोविंदा सेम करता हूँ। हाँ रीतिका आपको भी अंदाजा होगा, उनको बहुत अंदाजा है कि औरत एक बार किसको नचा ले तो जिंदगी भर नाचते रहता। सबसे पहले तो नानीकर पहला बहुत अच्छा दोस्त है और अभी भी अच्छा दोस्त है, साला हीरो करने वाला मेरे को
मेरा नानी का ही है। गोटिया, मैं सवाल करना चाहूंगा, हर एक की अपनी पसंद है, क्रिकेट में आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? सिद्धि अबला, ये कॉमेडेटर में तो शहजाद और तुम, टेनिस क्रिकेट में मेरा दोस्त अपना कृष्णा सातपुते। जब कृष्णा जो बैटिंग करता है तो तमाम पब्लिक रुकती है, जब गोटिया नाचता है तो आमदार क्या बोलता है, यार मेरा तो टूर्नामेंट हिट गया, क्योंकि पब्लिक है तो सब आए इन्हें, पब्लिक का ऑडियंस को आप थैंक्स कहेंगे। ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका पसंदीदा अंपायर आपने बताया बिली बॉर्डन है, तो खिलाड़ी कौन सा पसंद है? अरे एक ही रहेगा ना भाई, हमारा सचिन तेंदुलकर सर, और रविंद्र जडेजा ने रातों रात गोटे अंपायर को हीरो किया, उनका भी धन्यवाद करना। तो क्या मैं कहता हूँ कि क्रिकेट में दो ही चीजों का सम्मान होता है, पहला परफेक्ट यॉर्कर और दूसरा सचिन तेंदुलकर। ये बताइए, फिल्मों से आप कुछ, शम्मी कपूर भी बनते हैं, ये बनते हैं, फिल्मों में आपके पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? जो डॉन पिक्चर निकली, अरे दीवानो मुझे पहचानो, उसने जो डॉन ने अभी तक का नाम हो गया टेनिस क्रिकेट में, अभी तक मैं भी धन्यवाद करता हूँ सर को, क्योंकि उनके गाने से भी मैं भी पढ़ाई हो गया। रितिका मेरे सामने बैठी है, बोल दीजिए कि पसंद आपकी हीरोइन कौन है? यही पसंद है। ऑल द बेस्ट। ये थे मशहूर अंपायर गोटिया। अच्छा, आपको ये मैच, जैसे आपने अंपायरिंग किया, तो आपको क्या लग रहा है आज के मैच के बारे में? आपको क्या लग रहा है पहले बताओ। मुझे तो सबसे मजा आपका डांस देख के आया। सबसे पहली बात तो मुमरा का मैं तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुमरा मुझे लाइक करते हैं सब, वो लोग जो हारे वो भी मिले के लाइक करते हैं, तो वो लोग बोला और एक मैच के लिए रुको, मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है मुमरा का जो बॉम्बे में अच्छे अच्छे टीम में खेलते हैं, और मेरे सर है, उनका नाम क्या है, बंटी, ये तो मेरे लाड़के है, बोलते गोटिया कुछ नया लाना, तो नया लाता, और मेरे को मालूम है ये लोग अच्छे खेलते, अच्छा सिक्स मारे बाउंड्री में, तभी मैं नाचूंगा, और ये लोग मुमरा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और आपके हर एक डांस में अलग अलग मूव्स कैसे आ रहे थे? साला काला है ना अपन दिल वाला आते। चलो मेरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गोटिया, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, मैन ऑफ द मैच, खेतों में किसान, फिल्मों में लगान, सरहद पे जवान, और मुमरा में मुदस्सिर खान। मुदस्सिर खान कम फॉरवर्ड प्लीज। व्हाट अमेजिंग इनिंग ही प्लेड, ही प्लेड अ कैप्टन नॉक, नाइस इनिंग फ्रॉम मुदस्सिर।